सूरह ص 23वां पारा है, आयत नंबर 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववहबना लिदाऊद सुलेमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। सल्लल्लाहु अलैहि माक़बल अल्लाह जल्ल शानहु ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सब्र की तलक़ीन की। इस हवाले से हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के हालात बयान फरमा दिए कि जैसे दाऊद अलैहि सलाम पर आजमाइशें आई और उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया, तो आप भी सब्र का मुज़ाहरा कीजिए। आज की आयाती मुबारका में हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम का तज़किरा है, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस हवाले से भी ये वाक़या बयान किया जा रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आ गई। हालात बिल्कुल मुआफ़िक़ नहीं, लेकिन उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया और अल्लाह जल्ल शानहु ने उनको कामयाब फरमा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटों में से सबसे छोटा बेटा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटों के हवाले से आता है कि 19 बेटे थे, 19 में से ये सबसे छोटा बेटा था, लेकिन तमाम बेटों में सबसे आला बच्चा था। अल्लाह ने वो इस्तिदाद और क़ुव्वत और ताकत और सलाहियतें नसीब फरमाई थी, इसकी वजह से अल्लाह जल्ल शान ने उनको बुलंदियों पर पहुँचाया। अल्लाह ने उसको एक तरफ नबूवत से नवाजा और दूसरी तरफ हुकूमत से नवाजा, सल्तनत से नवाजा, और वो हुकूमत अता फरमा दी जो बेमिसाल थी, किसी को उस जैसी हुकूमत नहीं मिली। इसलिए बाद औक़ात अल्लाह जल्ल शान ने उनको इस तरह के फ़ैसले की क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई कि बाप की मौजूदगी में बहुत अच्छे और आला दर्जे के फ़ैसले कर चुके हैं, और हुकूमत भी अपने वालिद से आला दर्जे के हासिल की। यहाँ तक के परिंदों पे हुकूमत और ऐसे ही इंसानों पे हुकूमत और जिन्नात पे हुकूमत, यहाँ तक के हवा पे भी उनका हुक्म चलता रहता था। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानहु ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया हज़रत सुलेमान। उसका ज़िक्र अल्लाह फरमा रहे, ववहबना लिदाऊद सुलेमान, और हमने अता किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान, यानी उसका बेटा सुलेमान। लेकिन एक तरफ हुकूमत और सल्तनत का मालिक भी था, दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत में इस दर्जे लगा हुआ कि अल्लाह ख़ुद फरमा रहे, निअमल आब्द, बेहतरीन बंदा था, अल्लाह की बंदगी में आला दर्जा हासिल करने वाला, अपने ज़माने का सबसे बड़ा इबादत गुजार। ये यहाँ पर जो जिक्र किया जाता है, समझाया जा रहा है इस उम्मत को कि हुकूमत और सल्तनत के साथ इबादत का कोई टकराव नहीं। बंदा बादशाह भी बनेगा और सबसे बड़ा इबादत गुजार भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया और डराया और फरमाया, जो लोग हुकूमतों की वजह से पूरा दिन नहीं, दिन के सिर्फ एक ख़ास रुकन को बयान फरमाए, नमाज, जो हुकूमतों की वजह से नमाज को छोड़ता है, उसका हशर क़यामत के दिन फ़िरौन के साथ होगा। और जो वजारतों की वजह से नमाज को छोड़ता है, इसका हशर क़यामत के दिन हामान के साथ होगा कि ये वज़ीर था। और जो कारोबार की वजह से दुनिया के अंदर अल्लाह जल्ल शानहु की इबादत में सबसे बढ़कर हुक्म नमाज को छोड़ता है, तो उबई बिन खल्फ के साथ ये मुनाफिक था, इनके साथ इसका हशर होगा। इतनी बड़ी बात है। इसलिए यहाँ अल्लाह समझाना चाह रहे हैं, बंदा चाहे तो दोनों चीज़ों को बैलेंस के साथ चला सकता है। एक तरफ दुनिया के इंतज़ामी उमूर भी संभाले, दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत में भी लगा रहे। इन्नहु अव्वाब, अल्लाह फरमाते हैं यकीनन जैसे बाप अल्लाह की तरफ खूब रुजू रखने वाला, तो बेटा भी अपने वालिद की तरह अल्लाह की तरफ आला दर्जे का रुजू रखने वाला था। इन्नहु अव्वाब। चूँकि हुकूमत के मालिक थे, इसलिए हुकूमत के अंदर उमूर की निगरानी भी करते थे, इसलिए बादशाह को चाहिए कि अपने उमूर की खुद निगरानी करे। उमर रजी अल्लाह जैसी शख्सियत लेकिन आवाम से गाफिल नहीं थे, बल्कि रातों रात चक्कर लगाते रहते थे, गलियों के अंदर इलाकों के अंदर खूब खुद मालूमात करते रहते थे किसको क्या तकलीफ है। और जब तकलीफ मालूम हो गई जिसकी कोई ज़रूरत है, तो बावजूद कि अमीर उल-मुमिनीन है और वो अपने कमर पे बोरी उठा के, एक बोझ को उठा के और खुद सामान ले जाके जिसकी तकलीफ, उसकी तकलीफ को दूर फरमा के, जिसको रोया हुआ देखा उसको हंसते हुए देखा और फिर वापस चल पड़े। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर भी थे और हाकिम भी थे, इसलिए सल्तनत के उमूर खुद देखते रहते थे। तो चूँकि ज़माने के अंदर मैदान जहाद में जो इस्तेमाल होने वाले बुनियादी सवारी वो घोड़ा हुआ करता था, इसलिए उम्दा घोड़े की निगरानी कर लेना और उसका देखभाल कर लेना ये तो हवाला किया हुआ था, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखते रहते थे किस दर्जे का घोड़ा है, कौन सा घोड़ा है, घोड़ों के अंदर कोई कमी तो नहीं आई है, कोई आयब तो पैदा नहीं हो चुका। इसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक मरतबा घोड़े लाए गए और वो जो घोड़े सामने लाए गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देखने लग गए। अब उन घोड़ों के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम खामियाँ भी देख रहे हैं, खूबियाँ भी देख रहे हैं। और यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अस्साफिनात, ये उन घोड़ों को कहते हैं जो घोड़े 3 पाँव इस्तेमाल करके चलते रहते हैं और चौथा पाँव जो है वो उसका पंजा सिर्फ आगे से लगा लेता है, मामूली सा टेक और सहारा लेते हैं। ये उम्दा दर्जे का घोड़ा हुआ करता है, क्योंकि हमारा तो आज घोड़ों के साथ कोई निस्बत और वाकिफियत बाकी नहीं रही। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को, उनका मुआयना करते रहे। यहाँ तक कि वक्त इतना गुजर गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज रह गई और सूरज गुरूब होने लग गया। इसलिए फरमाया फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल ख़ैर, मैं माल की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका। अन ज़िक्र रब्बी, मेरे रब की जिक्र की वजह से। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि सूरज पर्दों में छुप गया। अब यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं कि मेरे रब के जिक्र की वजह से मैं घोड़ों की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका। चूँकि घोड़ा उस ज़माने के अंदर मैदान जिहाद में इस्तेमाल और जिहाद आला दर्जे की इबादत के अलाए कलिमतुल्लाह के लिए सबसे बढ़कर जरिया माशरे के अंदर, जिससे कलमे कुफर जो है वो मिट जाता है, पस्त हो जाता है और कलमे ईमान को अल्लाह तआला तक़वियत अता फरमाते हैं। तो चूँकि मैदान जिहाद के साथ रग़बत और मोहब्बत की वजह से और वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला घोड़ा, तो रब की जिक्र की वजह से फरमाते हैं मैं इन घोड़ों में, इनकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका। और यह यहाँ पर दूसरा तर्जमा यह है फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल ख़ैर अन ज़िक्री रब्बी, कि मैं अपने रब के मोहब्बत और रब के ज़िक्र के मुकाबले में घोड़े की मोहब्बत को तरजीह दे चुका। इन्नी अहबब्तु हुब्बल ख़ैर, मैं माल की मोहब्बत को तरजीह दे चुका अन ज़िक्री रब्बी, अपने रब की याद के मुकाबले में। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक के सूरज गुरूब हो चुका पर्दों के अंदर। रुद्दूहा अलैया, लोगों से कहने लगा, अपने लोगों से खुदाम से कहने लगा ये सारे के सारे घोड़े मेरे पास वापस लौटा के लाओ। फतफ़िक़ा मसहम बिस्सूक़ वल अअनाक़, तो पहला जो तर्जमा किया गया कि घोड़ों की मोहब्बत ये मैं जो इसमें मुब्तला हो चुका, अपने रब के ज़िक्र की वजह से, उस एतबार से यहाँ एक तर्जमा बनेगा फ़तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ वल अनाक़, के ले आओ मेरे पास ये घोड़े। तो वो घोड़ों के ऊपर रब की याद की वजह से घोड़ों के साथ मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हुए उनके पिंडियों पर और उनके गर्दनों पर हाथ फेरने लग गए। मसहम का एक तर्जमा ये, और यह दूसरा तर्जमा जो पहले बताया गया कि उनके जहन के अंदर ये बात आ गई कि मैं घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दे चुका अपने रब की याद के मुकाबले में। तो फरमाया ले आओ ये घोड़े जिन घोड़ों की वजह से मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो गया और मेरी नमाज का वक़्त चला गया। फरमाया लौटा दो इन घोड़ों को। फताफे का मसहम बिसुक, यहाँ पर मसह ये कता, काटने लग गए, काटने में शुरू हो गए घोड़ों के गर्दनों और पिंडियों को, यानी वो तमाम घोड़े जिनकी वजह से अल्लाह की याद से गफलत आ गई, उन तमाम घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। ऐसे थे तो पैगंबर उस ज़माने के अंदर। जिस तरह आज हम कुर्बानी करते रहते हैं और हमारी कुर्बानी ऊँट की होती है, हमारी कुर्बानी गाय की होती है, बैल की होती है और बकरे की होती है, दुम्बे की होती है। इस उम्मत के अंदर घोड़े की कुर्बानी नहीं, क्योंकि ये मैदान जिहाद के अंदर इस्तेमाल होने वाला बहुत बड़ा आला, इसकी शराफत की वजह से। बहरहाल लेकिन उस ज़माने के अंदर घोड़े की कुर्बानी भी होती थी, इसलिए उन्होंने सारे के सारे घोड़े कुर्बान करके, ज़बा करके और वो लोगों के अंदर तकसीम कर दिए। तो बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज़ की मोहब्बत दिल में लिया हुआ होता है जिसकी वजह से अल्लाह की याद में गफलत आ जाती है। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि बंदा उस चीज़ को कुर्बान कर ले जिसकी वजह से अल्लाह की याद में गफलत आ जाए। लेकिन ये आला दर्जे के लोगों का काम होता है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, अपने बाग के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज पढ़ते पढ़ते बाग के अंदर एक परिंदा उड़ रहा था और ख़्याल उस परिंदे की तरफ चला गया और नमाज के अंदर सहवा हो गया। नमाज से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। फरमाने लगे अल्लाह के रसूल, इस बाग़ की वजह से नमाज के अंदर गफलत आई है, मैं ये बाग़ अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर चुका हूँ। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चादर किसी ने गिफ्ट किया और नक्श निगाह वाली चादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर को पहन के नमाज शुरू कर चुके और नमाज पढ़ते पढ़ते उस चादर के नक्श निगाह की तरफ नज़र चला गया और जहन उसी में मुब्तला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ौरन फ़ारिग़ होने के बाद फरमाने भाई वो फलां बंदे को ये चादर लौटा दे और उससे कह दे कि मुझे एक और चादर दे दे जो सादा चादर हो। इसलिए कोई बंदा अगर किसी को कोई गिफ्ट दे दे और उसको ज़रूरत किसी और चीज़ की महसूस हो रही हो तो बता सकते भाई आप मुझे जो चीज़ पेश कर चुके मैं कबूल कर चुका, लेकिन इसकी वजह आप मुझे इस तरह की चीज़ दे रहे तो अच्छा होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हज़रत सहाबे के नाम रज़ी अल्लाह तआला वो भी ऐसे ही थे। दुनिया की किसी चीज़ की वजह से बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए और उस चीज़ को सामने से हटा दे, ये आला दर्जे के लोगों का काम है। बहरहाल आज हम तो नमाज पढ़ते अल्लाह माफ़ कर ले, हम तो जो चीज़ें भूल भी जाते हैं वो नमाज के अंदर याद आ जाती हैं और नमाज के अंदर सहवा हो जाते हैं उनसे। इसलिए रुद्दुहा अलैया, लौटाओ घोड़ों को मुझ पर, ले आओ मेरे पास। फ़तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ वल अनाक़, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों के पिंडियों को और गर्दनों को काटने लग गए। ये एक आजमाइश और इत्तला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आ गई और उस इब्तिला में उसने अल्लाह की तरफ रुजू कर दिया। अल्लाह ने माफ़ी मांगी और अल्लाह जल्ल शान ने इसकी माफ़ी कबूल फरमा दी और अल्लाह जल्ल शान ने माफ़ कर दिया। वलक़द फ़तन्ना सुलेमान वअल्क़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अना। ये पिछली आयत मुबारका के अंदर एक मसला और भी बयान किया जाए। रुद्दुहा अलैया, सूरज छुप गया और फिर अल्लाह जल्ल शानहु से माफ़ी मांगी और अल्लाह से दरख्वास्त कर दी अल्लाह ये सूरज मेरे लिए वापस लौटा दीजिए। अल्लाह ने सूरज वापस लौटा दी, उन्होंने नमाज अदा कर दी। इस उम्मत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला पेश आया और अल्लाह से मांगा, अल्लाह जल्ल शानहु ने सूरज का निज़ाम ज़ाहिर के ख़िलाफ़ चलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज अदा करती है, क्योंकि अल्लाह तो कुदरत वाले हैं। ये सूरज भी अल्लाह का पाबंद, ये चांद भी अल्लाह का पाबंद। बहरहाल वो अलग एक मसला है, इंशाल्लाह कभी मौका में तफसील पढ़ लेंगे। दूसरी आजमाइश सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आ गई और वो आजमाइश किया थी वलक़द फ़तन्ना सुलेमान, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया वालक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदा, और हमने उसके कुर्सी पर एक बदन को डाल दिया, एक जसद अल्लाह ने उसकी कुर्सी और तख्त पर डाल दिया। और अल्लाह फरमाते सुम्मा अनाब, फिर वो रुजू कर चुका। मसला ये हुआ कि सही है किसी बात के अंदर आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपनी फ़ौज को देख चुके तो फ़ौज के अंदर कोई सुस्ती और गफलत पाई जा रही थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे दिलबर्दाश्ता हो चुके और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की रात मैं अपने तमाम बीवियों के पास जाके उनसे जो है अपनी ज़िवाजी हुकूक पूरा करूँगा और मुझे हर बीवी से एक बच्चा मिलेगा और मेरा हर बच्चा मुजाहिद बनके सही तरीके से ये अपनी चुस्ती का मुजाहरा करते हुए मैदान जिहाद के अंदर काम करेगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात कहते हुए इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी रात अपनी तमाम बीवियों के पास चल पड़े, 100 के करीब बीवियाँ, क्योंकि इस उम्मत के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने उसकी शरीयत अलग, इसकी शरीयत अलग। इस शरीयत के अंदर उम्मती के लिए 4 से ज़ायद जायज़ नहीं, और पैगम्बर के हक़ में अल्लाह ने इजाफा किया हुआ था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम बीवियों के पास एक रात में चल पड़े और सबसे हमबिस्तरी की, लेकिन उसमें सिर्फ एक औरत, एक बीवी वो हामिला हो गई और वो एक बीवी से जो बच्चा पैदा हो गया वो भी अपहज का शिकार और वो भी माजूर था। उस बच्चे को सामने लाया गया और तख्त के सामने लिटा दिया गया। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक़्त इंशाअल्लाह कह देते अल्लाह हर बीवी से बच्चा अता फरमा देता, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ख़ुद ऐसा वाक़या आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आ गए और कुछ सवालात पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल बताऊँगा और इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इसलिए उन सवालात का जवाब अल्लाह की तरफ से आया लेकिन ताख़ीर के साथ आया। इससे बंदा कोई काम करना चाहे तो साथ क्या कह दे, इंशाअल्लाह। अच्छे काम करते हुए बंदा कह दे कि मैं कल इंशाअल्लाह ये काम करूँगा। बहरहाल तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश में डाला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए ये बात, इसलिए फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर चुके, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह जल्ल शान के रुजू को कबूल फरमाए। बहरहाल जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया, ए मेरे पैगम्बर आप पर भी आजमाइश आएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और बराबर अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे, ऐसे मेरे पैगम्बर आप भी सब्र का मुजाहरा कीजिए और आप भी अल्लाह की तरफ रुजू रखिए। अल्लाह जल्ल शान जैसे उनको कामयाब कर चुके, ऐसे अल्लाह जल्ल शान आपको भी कामयाब कर लेंगे। ववहबना लिदाऊद सुलेमान, और हमने अता किया दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम, निअमल अब्द, बेहतरीन बंदा था, इन्नहु अव्वाब, यकीनन वो खूब रुजू रखने वाला था। इज़ उरिज़ा अलैहि बिलअशी, जब पेश किए गए उस पर पिछले पहर अस्साफिनातुल जियाद, उम्दा घोड़े, फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल ख़ैर अन ज़िक्रि रब्बी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकीनन मैं तरजीह दे चुका माल की मोहब्बत को अन ज़िक्रि रब्बी, मेरे रब की याद के मुकाबले में। हत्ता तवारत मिल हिजाब, यहाँ तक के सूरज गुरूब हो गया पर्दों के अंदर। रुद्दूहा अलैया, ए मेरे रब रुद्दूहा अलैया, मुझ पर लौटा दीजिए इस सूरज को या मुझ पर लौटा दीजिए इन घोड़ों को। फतफ़िक़ा मसहम बिस्सूक़ वल अनाक़, बस काटने लग गया उन घोड़ों के पिंडलियों को और उनके गर्दनों को। वलक़द फ़तन्ना सुलेमान, और यकीनन हमने आजमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को वल्कैना अला कुर्सिय्यिही जसदा, और हमने डाल लिया उसके कुर्सी पर, उसके तख्त पर एक बदन को, एक जसद को। सुम्मा अनाब, और फिर वो रुजू कर चुका। सल्लल्लाहु